जय माता दी राम राम कैसे हैं आप सभी तो अभी आज हम बनाएंगे पतीड़ के पकोड़े पतीड़ के नहीं अरबी के पत्तों के पकोड़े भी और सब्जी भी तो चलिए पहले तो पत्ते लेके आते हैं और फिर जो है उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ठीक है तो ये देखिए अभी मैं चल पड़ी हूँ अपने अरबी के पत्ते लाने और बहुत अच्छा लगता है ताज़ा ताज़ा खेत से जो सब्ज़ी आती है ताज़ा ताज़ा चाहे कुछ भी होती है तो यहाँ पे देखिए पानी अरबी के पत्तों के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं टिकता ना रुकता ये देखो तो चलिए इसमें बहुत कुछ बीजा है मैंने तो मैं पत्ते तोड़ लेती हूँ फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा आज आपको एक अलग रेसिपी दो तरह की बताएँगे और पकौड़े भी और सब्ज़ी भी तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना लाइक कर देना प्लीज़ सबसे पहले तो ये लहसन और प्याज जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं इसके वो हमने तैयार करने हैं तो ये देखिए इसमें यहाँ पे हमने लहसन प्याज कूट लिया था लहसन मैंने कम डाला था और प्याज ज्यादा था इसमें और अब इसमें हम डाल देंगे और हाँ मिर्चें भी कूट ली थी मैंने साथ में लाल मिर्च साबुत वाली तो अभी हम इसमें डाल देंगे बेसन जो हम ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें डालते हैं बेसन चार पाँच पाँच छः चम्मच डाल देंगे क्योंकि मसाला हमारे पास बहुत बहुत है और पत्ते भी हमारे पास बहुत थे ये देखिए काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में और फिर इसके बाद डाल देते हैं हम इसमें तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन जो सबसे मेन होता है इसका और थोड़ा सा गर्म मसाला हल्दी नमक ये सारे चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और अगर एक होती है क्या बोलते हैं उसको पाबरी बोलते हैं लौंग मसाला होता है हरे पत्ते होते हैं उसके वो यहाँ पे नहीं होते हैं हमारे मायके में होते थे और फिर हम इसको घो गो, घोल लेंगे अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे आपने अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं कोई गाढ़ा करते हैं कोई पतला करते हैं ये थोड़ा सा पतला हो गया था इतना सा काफ़ी था मेरे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था पानी मेरे से तो चलो कोई बात नहीं और ये देखिए इस तरह से ये बन गया हमारे एक बहुत अच्छा सा पेस्ट तो अब ये जो मैंने लास्ट में पानी डाला था ना ये ज्यादा हो गया था और अजवाइन इसमें पहले कम पड़ी थी तो मैंने इसमें बाद में थोड़ी ज्यादा डाल दी थी और इसके बाद ये जो पत्ते हैं ना इसके डंठल काट लेने काटने पड़ते नहीं तो मुड़ते नहीं है ढंग से नीचे जो डंठल जैसे होते हैं ना वो वाले और बीच में से इनको कट करना होता है ताकि अच्छी तरह से ये बिछ जाए मतलब हम इस तरह से बनाते हैं सब लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं और आप लोग कैसे बनाते हैं आप भी बताना हमें कई पहले जो है वो लकड़ियों के ऊपर बनाते थे ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा कट कर दिया ना ये पत्ता तो अभी हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे मसाला जो मसाला हमने बनाया था वो वाला मसाला इस तरह से और ये सारा मसाला सारे फैला देंगे कई लोग ना ज़्यादा भी लगाते हैं मतलब बिल्कुल गाढ़े वाला लगा देते हैं और पर तब क्या होता है ना फिर उसके हिसाब से नमक उसके हिसाब से डालना पड़ता है बिल्कुल कम तो हमने इसकी सब्जी बनानी है अगर पकौड़े बनाने हो ना, तो आप इसमें जो है बेसन ज्यादा लगा दीजिए नमक कम रखिए तो फिर हमारी जो है अच्छी आ जाता है इसका हिसाब ज़्यादा नमक नहीं होता तो तीन तीन पत्ते चार चार पत्ते जितने भी आपको सुइटेबल लगते हैं कि इतने से हो सकते हैं नहीं तो टूट टूट भी जाते हैं ना मरे जो बनाते हैं इसके तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गए थे पहली बार में लास्ट में दो तीन तीन के मैंने बनाए थे ये देखिए ठीक है और आप सोच रहे हो कि इसमें मसाला कम है लेकिन देखो बहुत सारा लगता है एक एक पत्ते में लगता है ऊपर नीचे अरे परे सारे तो बहुत हो जाता है फिर अगर ज्यादा अगर हम डालते हैं ना मैं पता क्यों नहीं डालती डालने के तो हम डाल सकते हैं तो इनमें ना बिल्कुल बेसन का ही स्वाद आता है फिर इनका वही कड़ी कौड़े वाला स्वाद रहता है हमें जो इसका नेचुरल स्वाद है ना जो इसका नेचुरल टेस्ट है अरबी वाला अरबी के पत्तों वाला हमें वो चाहिए होता है इसलिए मैं कम डालती हूँ इस चीज को अजवाइन आप खुल के डाल दीजिए ये बहुत ज़रूरी होती है इसमें और ये देखिए फिर मैंने इसको स्टीमर में रख दिया ठीक है एक एक करके पहले मैं बना दूंगी सारे आप धागे से भी बांध सकते हैं चारों तरफ इसके यहाँ पे भी आप बेसन लगा सकते हैं साइडों में धागे से भी बांध सकते हैं और इस तरह से ये देखो कहीं कहीं से फट जाते हैं अगर डंठल मोटे रहते हैं ना तो ये फट जाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं फटने वाले इसी हिसाब हमने बनाया है और ये देखिए ये देखिए अब मैंने स्पीड थोड़ा फास्ट कर दिया ज्यादा लगा के आप लोगों को बता रही हूँ ये देखिए अब हम तीन के बनाएंगे और तीन के छोटे छोटे पतले पतले से बनेंगे ये देखो और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं मेरे को ये जो चीज होती है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है एक तो देखो बरसात में और एक बात मैं और बता दू ये थोड़े बायले टाइप के होते हैं और इसलिए इनमें ये सारे लहसुन प्याज़ अजवाइन ये सारी चीज़ें इसलिए पड़ती हैं इन इनमें तो चलिए अब देख लेते हैं स्टीमर ये देखिए मैंने इनको कोई पंद्रह मिनट पकाया ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता तो अभी इसको देखेंगे छुरी से ये देखो छुरी बिल्कुल साफ़ आ रही है इसका मतलब ये बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं स्टीम हो चुके हैं अब हम इनको उठा देंगे और ठंडा होने देंगे ठंडा होने तक का वेट करना इनका नीचे भी दो रखे हुए थे और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और बाकी डिपेंड करता है हमारे जो हमने बेसन का मसाला बनाया हुआ था ना उसके ऊपर जो पेस्ट बनाया हुआ था बेसन का वो अगर पतला है तो फिर ये थोड़े से लिक्विड टाइप में चले जाते हैं ये देखिए पानी और अब इसके ऊपर और रखने हैं मुझे क्योंकि ये ये छोटे हैं ना ये जो स्टीमर है हमारा ये छोटा है तो इसके ऊपर इनको निकाल के और रख दूँगी मैं इसके ऊपर जो मैंने बाद में बनाए थे और कई लोग कढ़ाई में बनाते हैं कई लोग तेल डाल के तेल डालना कढ़ाई में फिर पकाते हैं कई लोग लकड़ियाँ नीचे पानी और ऊपर लकड़ियाँ रखते हैं लकड़ियों के ऊपर तो ये बहुत पुराना तरीका है सभी ऐसे ही बनाते थे पहले तो ये ट्रिक मुझे बताई थी किसी ने ये देखिए दो ये हो गए और चलिए अभी पहले हम थोड़े से पकौड़े बनाएंगे उसके और बाद में बनाएंगे हम इसकी सब्ज़ी क्योंकि हम इसको मैक्सिमम सब्जी के साथ खाते हैं लेकिन आप इसके पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है ये देखिए ये भी रख दिया इसके ऊपर और अब ढक्के लगा देंगे पंद्रह मिनट तो ये देखिए इस तरह के पीस हैं पर अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी इनको नहीं काटना था लेकिन मुझे कौश जाना था उससे जाने से पहले मुझे पकौड़े टेस्ट करने थे इसके तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा होने देना पड़ता है इसको और ये देखो जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो तब ये सख्त हो जाएंगे बिल्कुल और फिर उसके बाद काटने थे लेकिन मुझे फिर तड़का तो मैं आके ही लगाऊंगी ठीक है तो ये देखिए अभी मैं सोच रही थी कि किस छुरी से काटूं तो इससे ना अच्छी तरह से काट कट और थे ये देखो पर गबर आप धुआं देख सकते अभी गर्म थे बहुत ज्यादा और ये देखो मैंने इनको उठा लिया इस तरह से और आह हा मैं तो फिर से बनाऊंगी किसी दिन मुझे तो इतने पसंद आए कि सब ने ना मांग मांग के किए और थोड़े थुड़ थोड़े सब के हिस्से में और यहाँ पे मैंने तेल रखा था तवे तो पे तो तेल गर्म हो चुका था और फिर इसमें रख देंगे हम एक एक पीस जो मैंने कट करा था ये सिर्फ पकौड़े बाकी जो बचे उसकी तो हम सब्जी बनाएंगे प्याज डाल के ये देखिए कई लोग कढ़ाई में तलते हैं कढ़ाई में रखते हैं ना आ, तेल बहुत सारा तो उसमें तो फिर ये नीचे नहीं लगते तो वो में कई बार नीचे लग जाते हैं ये चलो कोई बात नहीं फिर भी अच्छे बन जाते हैं तो बस इस तरह से ही हम इनको तलते रहेंगे और ये हो गए तल गए हमारे पकौड़े यहाँ पे लाइटनिंग थी कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे मैं देख रही थी मैं भाई यहाँ पे वैसे क्यों नहीं आ रहे जैसे हैं तो चलिए अभी इनको कट करते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर हम इनको खा लेंगे चाय के साथ बस एक ये यही तले थे बाकी तो हमने सब्जी बनाई थी ये देखो ठीक है तो ये बन गए हमारे पकौड़े इसके और कोई खराश नहीं होगी आपके गले में बिल्कुल भी नहीं होगी गारंटी है लोग नहीं खाते ना उसको इनको इस वजह से कि गले में खराश होती है तो ये देखिए तो कुछ ज्यादा ही जल गया है और अभी फिर मैं चली जाऊंगी कौशल फिर मिलती हूँ मैं आपको आके वहां से तो मैं आगे थी काउशेड से और ये मैंने इसके कट पीस कर लिए थे देखो अब कितने अच्छे पीस हुए इसके ठंडा हो गया था ना तो पहले मैंने ठंडा होने का वेट नहीं करा था तो बस इसके छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े हम बना लेंगे पिछली बार भी बनाए थे तो वो न साग जैसा लग रहा था कि साग है और इसको अच्छा सा बस इसमें एक है कि इसको तेल थोड़ा सा ज्यादा लगता है बाकी तो कुछ नहीं है और इसके मैं बहुत सारे पीस कट कर लूंगी इस तरह से काटने हैं छोटे 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 नहीं तो इनके पीस के अंदर जो है हमारा मसाला ना अच्छे से नहीं रचता है ये देखिए आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और एक बात और बता दूं मैं लाइक कर देना वीडियो को और हो सकेगा तो शेयर भी कर देना तो चलिए पे तेल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसमें डाल देंगे मेथी जो बहुत ज़्यादा ज़्या ज़रूरी होती है उसके बाद धनिया उसके बाद जीरा उसके बाद साबुत मिर्च और थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि मिर्च हमने पहले भी डाली थी आपको याद होगा मसाले में और फिर डाल देंगे हम दो तीन प्याज छोटे छोटे थे मेरे पास बड़े बड़े हो तो दो डाल सकते हैं हम तो ये डाल देंगे और फिर ये हो गया हमारा अच्छे से इसको भून लेंगे और फिर देखना आपने कितना अच्छा मतलब इसका टेस्ट आता है ना बिल्कुल खराश नहीं आएगी कई तरह से बनते हैं अभी मैंने दूसरे तरह दो तरह से बताया ना आपको अभी मैं एक और तरह से बताऊंगी आपको जो कढ़ाई में तेल में ही बनते हैं उसमें भी कोई खराश नहीं रहती गले में और फिर मैं डाल दूंगी जो हमने यहाँ पे कट पीस करे थे उनको मैं डाल दूंगी इसमें और बन गए हमारे पतीर की सब्जी अलग तरीके से इस तरह से बनाओगे आपके बिल्कुल गले में खराश नहीं होगी और आप बोलेंगे कि हमें रोज़ पतीर चाहिए और देखना थाली जब लगती है ना इसकी हमारे हिमाचल में पतेड़ की थाली जब लगती है ना खाना खाते टाइम क्या क्या कि हम लेते हैं साथ में तो आपने वही करना और आप बोलेंगे कि वाकई में कुछ तो बात है तो ये देखिए सारे मैंने इसमें तड़का लगा दिया था सारे में और चपाती बनाती वैसे कहते हैं कि इनके साथ ना मक्की की रोटी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है ये देखिए हो गया ना अच्छा तो इसके साथ कहते हैं कि और ये जो साबुत मिर्च डाली है ना इसमें ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है एक एक चीज़ का अपना अपना टेस्ट आता है इसमें और मक्की की रोटी मतलब मक्की का आटा इन सब बरसात में हम लोग बहुत कम रखते हैं क्योंकि मक्की का आटा खराब हो जाता है बरसात में ये लीजिए चलिए अभी हम थाली लगा के आपको दिखाते हैं तो हमारे हिमाचल में पतेर की जो थाली होती है तो ये देखिए अभी इसको ना थोड़ा सा मैं और गर्म होने दे रही थी कि ताकि ना इसमें मसाला अच्छी तरह से रच जाए और तेल भी था ना इसमें तो वो तेल भी अच्छी तरह देना होने देना पड़ता है मतलब बस अभी हो गया ये नहीं कि डालना और उठाने नहीं तो फिर जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना उनमें अच्छी तरह से हमारा ये वो नहीं होता और अभी हम बताते हैं आपको यहाँ थाली लगाते हुए गैस के ऊपर देखो दूध आध गिराया हुआ है तो ये देखो ये लेंगे हम पतीर यहाँ पे थाली में लेते हैं कोई कॉली में नहीं लेते और उसके बाद जो है फिर हम चपाती दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ये चपातियां बनाई हुई हमने बहुत बड़ा बड़ा फुलका जिसको बोलते हैं और एक फुलका मैंने यहाँ पे रख दिया थोड़ा सा मक्खन डालेंगे इसके ऊपर पानी भी है मक्खन के साथ में फिर साथ में लस्सी का गिलास भरेंगे ये देखिए लस्सी का गिलास भी हो गया अब आप लोग आ सकते हैं <laughs> थाली लग चुकी है आप लोग अब आ सकते हैं और मेरे साथ बैठ के खा सकते हैं तो चलिए माता का नाम लेके महामाई का नाम लेके शुरू करते हैं और कल मुझसे किसी ने पूछा था कि मंदिर को जगह नहीं है तो मंदिर के लिए भी हमने रखी है मंदिर आ, मतलब भगवान की पूजा करने के लिए तो घर में स्थान चाहिए चाहिए तो ये देखिए इस तरह से निवाला तोड़ के थोड़ा सा पतील और थोड़ा सा मक्खन आ हा हा मैं क्या बताऊँ आपको इतना ज़्यादा टेस्ट आ रहा था ना मजा आ गया खाने का और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो जय माता